अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम थोरचे वैली। तो आज सुबह सुबह जी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम बिलाल भाई और मारिया भाभी का इंतज़ार कर रहे थे, अभी उनकी कॉल आई है कि वो किसी काम से नीचे सिटी चले गए हैं। तो आज हम खुद अपनी तरफ से व्लॉग जो है वो शूट कर लेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मैं और बिलाल भाई रात को लेट आए थे और सुबह हमारा प्लान था कि हम ऊपर जाएं, लेकिन बिलाल भाई का जो बेटा है मूसा वो थोड़ा सा बीमार हुआ है और उसको लेके वो सिटी चले गए हैं। तो आज हम खुद से व्लॉग शूट करेंगे और मैं अपना घर दिखाऊंगा जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी, मेरी बॉन्ड प्लेस आपको दिखाऊंगा और कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहिए। हार्डली हमारा तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट हमारे बाइक के ऊपर लगेगा, तो हम बाइक लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ।
जो है उस वक्त लगे हैं। ये अभी तो स्टोर और बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। फोर्ट टाइप का उस वक्त बना था, लेकिन छोटा था फोर्ट, जो बादशाह लोग थे वो बड़े बनाते थे, उसमें फिर 30-35 कमरे होते थे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहुँचते हैं जी, सेकंड फ्लोर पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे किचन है। इस किचन में मैंने 2 से 3 साल गुजारे और बहुत सी यादें यहाँ पे वाबस्ता हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार जो है वो लकड़ की है, खालिस लकड़ की। तो इधर 4 कमरे हैं, एक ये कमरा, इसको ताला लगाया हुआ, ये भी बंद है, और ये वाला भी, ये इधर हम सोते थे। अभी इसका छत जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो के गिर गया है और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता हो गई है, तो सोच रहे हैं इसको फिर से रिपेयर किया जाए। और इधर से गांव का व्यू बड़े कमाल का नज़र आ रहा है, नज़र आता था उस वक्त भी, आप भी देखें आप। यह थोरचे सेंटर का ओल्ड टाउन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी पुरानी यहाँ पे इमारतें हैं और लोग यहाँ पे रहते थे। और उस वक्त सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर होता था। तो इसके छत से भी हम आपको मंज़र दिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र यहाँ पे नज़र आएगा आपको। देखें उस वक्त के पिलर्स लकड़ के लगते थे और गर्माइश के लिए ना लकड़ियाँ, देखा आप ये दीवार में देखें, लकड़ियों के साथ जो है वो पत्थर का दीवार बनाया गया था। इसकी मेन वजह यह है, जब जिलजिला वगैरह आता है तो ये कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो 11 पॉइंट्स तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। या फिर फोर्ट था, इसके जो छत की जो है वो छत का जो मंज़र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे देखें कितना प्यारा व्यू, सारी जो है वैली को कवर करते हैं, आप इधर से आराम से मज़े का व्यू ले सकते। दोस्तों ये बैक का मंज़र है हमारे फोर्ट का, बैक से इस तरह का व्यू नज़र आता है। इसमें 2 खिड़कियाँ यहाँ पे, और नीचे वाली जो मंजिल है ग्राउंड फ्लोर की, वो खिड़की इस तरह की होती थी छोटी। तो आप इधर से अंदर भी देख सकते हैं, अंदर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, ये स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं। आपने शिगर सरीना फोर्ट और अलतित बलतित फोर्ट हुंजा आपने देखा होगा, तो वो भी इसी स्टाइल के ही बने हुए हैं और उनको करते हैं। और इंशाल्लाह कल जब बिलाल भाई आएंगे तो उनके साथ फिर से एक व्लॉग शूट हो जाएगा इंशाल्लाह, वो कल आ रहे हैं, अभी उनकी कॉल आई थी मुझे, तो इंशाल्लाह व्लॉग में आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।